प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार शिक्षा को लेकर लगातार अहम कदम उठा रही है और शिक्षा में अगर कोई गड़बड़ हो रही है उसको लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई जारी है। हमने पिछले साल भी देखा है कि मदरसों का सर्वे कराया गया था, मदरसों को सर्वे को एक साल हो गया है और लगभग सर्वे में 8,449 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते पाए गए थे कि अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनकी मान्यता नहीं है और जिनकी मान्यता नहीं है उनको अवैध ही कहा जाता है स्थानीय भाषा में और एक व्यवस्थित भाषा में। उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि इन जो मदरसे हैं इनको कहा जाएगा कि जो इनकी गाइडलाइंस है सरकार की मदरसा बोर्ड की वो पूरी करें और आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करें। सरकार हमेशा कहती आ रही है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, इसी परिदृश्य के साथ सरकार केंद्र सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें यही बात कही जा रही थी। सर्वे हुआ, हायतौबा हुआ, तमाम तरह के बयान आए और बयान के बीच में सर्वे भी हुआ और लोगों ने उल जलूल बयान भी दिए, पर सर्वे संपन्न हुआ। सर्वे संपन्न हुआ और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसे पाए गए जिसमें जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं वो भी हैं, इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त हैं वो भी हैं और जो अवैध रूप संचालित हैं वो भी हैं। और मैंने आपको आंकड़ा बताया है, वो आंकड़ा भी यहां पर सामने है। उसके बाद से कहा जा रहा था कि अब इन मदरसों के दिन बहुरेंगे, बहुरेंगे यानी बदलेंगे और सरकार इन मदरसों को तकनीकी रूप से मजबूत भी करेगी और तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी मदरसों में दी जाएगी। इसको लेकर सरकारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो चुकी हैं और यहाँ पर सबके लिए एक बेहतर तरीके से मदरसों का निर्माण किया जाएगा, तकनीकी रूप से बने हुए हैं उनको व्यवस्थित किया जाएगा, एक नई व्यवस्था वहाँ पर लाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर दीनी शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी और तमाम जो विषयों की शिक्षा भी वहाँ पर दी जाएगी। ये सरकार की व्यवस्थाओं में शामिल था, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर दीनी शिक्षा के साथ साथ ये शिक्षा भी जरूरी है। पर यहाँ पर जब एक साल बीत चुका है सर्वे को, बीच में तमाम तरह की बातें भी आई कि टेरर फंडिंग हो रही है, अवैध फंडिंग हो रही है, उसमें तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए, पर उसको अगर अलग करते हैं तो एक साल के समय के बाद यहाँ पर जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टर जाबिर इफ्तिखार अहमद, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और एक पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। उन्होंने कहा है कि एक साल का समय हो गया है और एक साल के समय के बाद जो मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको संचालित करने में समस्या आ रही है और सरकार को यह सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लगभग 7.5 लाख जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आपने सर्वे करा लिया और सर्वे के बारे में कही गई थी कि इनको बेहतर किया जाएगा, पर अब तक बेहतर करने के लिए उनको समायोजित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 8 वर्षों से किसी भी मदरसे के अन्य मदरसे की जो पुराने मदरसे थे जिनकी मान्यता थी उसके अलावा किसी भी मदरसे की मान्यता नहीं की गई है, लंबा समय हो गया है। तो यहाँ पर अगर सर्वे हो गया तो सर्वे के बाद यहाँ पर ऐतिहासिक कदम उठाने चाहिए थे क्योंकि इस मदरसों में वही लोग पढ़ते हैं जो पसमांदा समाज से आते हैं। उन्होंने कहा है कि 80 से 90% बच्चे पसमांदा समाज से आते हैं जिनको लेकर लगातार बीजेपी आगे बढ़ाने की बात करती नजर आती है। तो चर्चा विषय यहाँ पर यही है कि जब सर्वे हुआ तो उसके बाद यहाँ पर परिवर्तन की बात कही थी, परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है और परिवर्तन नहीं होने के चलते यहाँ पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पत्र लिख दिया है। फिलहाल पत्र भी देखते हैं और बयान भी सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है सरकार को। बच्चे पसमांदा समाज के हैं, इन पसमांदा समाज के बच्चों के भविष्य का सवाल है, 8 वर्षों से किसी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है, ऐसे में मान्यता देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ सामाजिक लोग उन मदरसों को अवैध भी कहते हैं जो उनके ऊपर एक दाग लगता है। इसमें कोई दोष नहीं है, उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी है, बच्चे बढ़े हैं, मदरसे बढ़े हैं, 8 वर्षों में अच्छे खासे मदरसे काम कर रहे हैं तो उन्हें मान्यता देनी चाहिए, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि उस पर। क्योंकि आप जब बात शिक्षा की होती है तो यहाँ पर बात करनी जरूरी है, यहाँ बात मदरसों की नहीं, स्कूलों की नहीं, यहाँ पर बात शिक्षा की हो रही है, यहाँ बात परिवर्तन की हो रही है, यहाँ बात व्यवस्था सुधारने की हो रही है और यहाँ बात हमारे देश के भविष्य को आगे ले जाने की हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जब परिवर्तन की बात करेंगे, आगे ले जाने की बात करेंगे तो अगर उसमें कार्रवाई नहीं होगी, कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे तो ऐसे पत्र
लिखना भी जरूरी है और जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी यहाँ पर इफ्तिखार अहमद ने निभाई है। अब जिम्मेदारी निभाई है और जिम्मेदारी के बाद इस लेटर को लिखने के बाद पहुँचने के बाद क्या कुछ अलग होने वाला है, सरकार इसको लेकर कितनी संवेदनशीलता दिखाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। पर पत्र लिखना यहाँ जरूरी था क्योंकि यहाँ पर मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, वो मदरसे जहाँ पर हमने देखा है कि अभी नीट की परीक्षा हुई थी तो बड़ी संख्या में वहाँ पर छात्र चयनित होकर आए थे। तो केवल मदरसों को लेकर आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि मदरसों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास होना चाहिए। और चूंकि बात शिक्षा की है इसलिए आज का प्राइम डिबेट का महत्वपूर्ण विषय है और कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले, क्योंकि यहाँ पर अगर बात नहीं करेंगे तो सिलसिला कैसे बनेगा, जब सिलसिला बनता है बात होती है तभी एक नया इतिहास रचता है और इतिहास रचने के लिए यहाँ पर चर्चा होनी जरूरी है। क्योंकि अगर वास्तव में यहाँ पर मदरसों को मान्यता दी जाएगी तो अपने आप में यूपी सरकार द्वारा एक बड़ा इतिहास भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आरोप विपक्ष सरकार पर मुस्लिम वर्ग का विरोधी होने का लगातार रहता है समय समय पर, उन आरोपों का एक सीधा जवाब भी होगा योगी सरकार द्वारा। अब योगी सरकार यहाँ पर इफ्तिखार अहमद के पत्र पर कितनी कार्रवाई करती है और कितना संज्ञान लेती है वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर मेरा मानना यह है कि अगर वास्तव में कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए नियत भी चाहिए और नीति भी चाहिए। अब नियत और नीति यहाँ पर कितनी कारगर होने वाली है वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। पर चूंकि यहाँ बात शिक्षा व्यवस्था की है और प्राइम टीवी लगातार इस तरह के तमाम मुद्दों को हमेशा से उठाया आया है, वो आज भी हमने उठाया है और महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करा दूं, भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपनी राय देंगे, अजरा मोमिन बहन समाज सेविका ग्रुप में अपनी राय देंगी, विनोद सिंह फारवान प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी अपनी राय देंगे, प्रवक्ता हमारी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में जनाब आमिर साबरी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा नेता भाजपा से, केसी भाई सर्वे हो गया था, एक साल हो गया और सर्वे होने के बाद यहाँ पर अब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का पत्र यहाँ पर इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब एक साल का समय हो गया है, 8 साल से कोई मान्यता नहीं हुई है, मान्यता होनी चाहिए और वहाँ पर वही बच्चे पढ़ते हैं, उनमें अधिकांश बच्चे पसमांदा समाज से भी आते हैं और अगर वहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तो यहाँ पर कष्ट है, दर्द है, आपने बयान भी सुना और पत्र भी देखा, आपकी क्या राय है? एक अच्छा विषय आप लेकर के आए हैं जी, और लोगों के अंदर अगर कुछ गलत फहमियां हैं जी तो तमाम सारे विद्वान लोग आपके पैनल में हैं जी, वो उन गलत फहमियों को भी दूर करने का काम करेंगे जी। और आज का विषय जनता के बीच में, समाज के बीच में, चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एक जागरूकता पैदा करने का काम करें जी, ना कि केवल आपका आज का विषय केवल बहस का हिस्सा बन के रह जाए जी। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जी, योगी जी की सरकार लगातार जब से सरकार में आई है मदरसों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। पहले जो मानदेय मात्र 6,000 रुपए शिक्षकों का हुआ करता था उसको बढ़ा करके 12,000 रुपए तक ले जाने का काम इसी योगी सरकार ने किया। जो मदरसों में जो शिक्षक हैं उनका मानदेय धीरे धीरे बढ़ा करके 12,000 रुपए करने का काम इसी योगी सरकार ने किया। और ये बात सही है कि देखिए, मदरसों में या प्राइमरी स्कूल में या सार्वजनिक विद्यालयों में ज्यादातर वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब परिवार के होते हैं, नहीं तो कॉन्वेंट एजुकेशन की आप स्थिति देख रहे हैं, तमाम बार उस पर भी आपने सवाल उठाए जी, तमाम बार डिबेट भी आपने रखी जी, और कोरोना काल में तो आपने कई बार डिबेट रखी कि इतनी फीस क्यों है जी। तो देखिए, जो सक्षम है, जिनके पास खूब पैसा है, वो कॉन्वेंट एजुकेशन बच्चों को दिला रहे हैं, लेकिन समाज में जो असक्षम लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो चाहते मेरे बच्चे पढ़ भी जाए और जो है उनके खर्चे भी ना हो, खर्चे बहुत कम हो या नॉमिनल हो या ना, इस चीज को योगी सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज पे ध्यान दिया और चाहे प्राइमरी स्कूली की स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था उसको भी बेहतर करने का काम किया जी। साथ ही साथ जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, वो केवल और केवल दीनी तालीम तक सीमित ना रहे जी,
बिल्कुल, यानी केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित ना रहे, वो अगर वहां तक वहां पर फिफ्थ तक की शिक्षा लेते हैं, सिक्स में कहीं एडमिशन लेते हैं जी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मैथ में कोई भी सब्जेक्ट आगे चला सके जी, ऐसी शिक्षा उनकी हो जी, वो इंग्लिश भी सीखे कंप्यूटर भी सीखे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मदरसों को जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उससे जोड़ा गया जी, और उसमें बीएड किए हुए जो टीचर्स थे उनको वहां पर रखा भी गया, उनको अच्छा मानदेय देने की बात हुई। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ था जिसपे आपने प्रश्न उठाया जी, तो देखिए सर्वे खास करके इसीलिए था कि जो मानक हैं, कम से कम अगर आप सारे मानक पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों के वहां पर बैठने की व्यवस्था, गर्मी में पंखे की व्यवस्था, ठंडक में दरवाजे अच्छे हों, शीशा लगाओ उसमें जिससे कि धूप भी आ जाए और बच्चों को ठंडक भी ना लगे जी, इन सारी चीजों का विश्लेषण किया गया जी। और ये बात आपने सही कही कि 8000 से ज्यादा ऐसे मदरसे रहे जिनकी मान्यता नहीं। देखिए मान्यता होना या ना होना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मदरसा चला रहे हैं तो मदरसों में अनुकूल व्यवस्था हो बच्चों के बैठने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं अच्छा। और साथ ही साथ उनकी जो आधुनिक शिक्षा है तो आधुनिक शिक्षा से उनको जोड़ा जाए, आधुनिक शिक्षा से वंचित ना हो जाए। ठीक है। और रही बात ये कि रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन जो लोग मदरसा चला रहे हैं उनको उसके बारे में जब इसका सर्वे हुआ तो वहां पर सर्वे करने वाले जो अधिकारी जो पहुंचे हैं उन्होंने इसकी पूरी गाइडलाइन दी है, पूरी जानकारी दी है कि आप इसको अप्लाई करिए, आपको मदरसा पहले तो रजिस्ट्रेशन कराइए। देखिए रजिस्ट्रेशन होना, रजिस्टर्ड होना और अनुदानित होना दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल सर। इस चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा और तमाम सारे जो विद्वान स्कॉलर साथ में बैठे वो भी इस पे प्रकाश डालेंगे। सब समझ रहे हैं। तो देखिए अनुदानित है या नहीं वो अलग बात, ऐसा नहीं कि आपका मदरसा है तो अनुदानित तो ही एक जगह बने हुए हैं। किसी भाई 560 से 561 हुए ही नहीं है, 560 पे वही है अनुदानित। वही चीज देखिए अनुदानित जो है उसके लिए सरकार शुरू से अभी जो 2022 में था लगभग 480 करोड़ रुपए का बजट तो इन मदरसों के लिए जारी किया सरकार ने जी। 2023 में लगभग 550 करोड़ का बजट सरकार ने जारी किया इसके लिए, मदरसों के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कि आधुनिक शिक्षा दी जा सके। और जो खास करके अनुदानित जो विद्यालय हैं, जो मदरसे हैं, उनमें कहीं पे भी उनकी जो सैलरी है सैलरी को लेकर के कोई दिक्कत ना आवे, ये सारे काम सरकार ने किए हैं और लगातार इस पे काम हो रहा है। लेकिन ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि रजिस्टर नहीं है उनको बंद कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी बात हो गई, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत कठिन काम है, लगता है जैसे लोहे के चने चबाना है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन आप आसानी से करा सकते हैं, तो जिनके जो भी मदरसे संचालक हैं आपके माध्यम से उन 8000 लोग जो मदरसे संचालक है उनसे तो निवेदन ही है, लेकिन आसपास जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके बच्चे उस मदरसे में पढ़ रहे हैं वो भी उस मदरसा संचालन में मदद कर सकते हैं कि वो उसका रजिस्ट्रेशन कराने में और जो कागजी खाना पूर्ति उसको करने में मदद कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड तो होना चाहिए, कम से कम एक डाटा है कि कौन रजिस्टर्ड है कौन नहीं रजिस्टर्ड है। आपने कहा कि वो जरूरत नहीं है कि मान्यता ले, मान्यता रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। सर्वे ही इसी को लेकर कराए गए थे कि किनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। आर्थिक अनुदान प्राप्त मदरसे 560 है, उसी आंकड़े पर टिके हुए हैं सरकार के। आपको कार्यकाल को लगभग 7 साल होने जा रहे हैं, बड़ा सवाल, मार्च में 2 साल आपके पूरे हो जाएंगे, 7 साल हो जाएंगे। 7 साल के कार्यकाल के दौरान कितने मदरसों का अनुदान दिया गया, बड़ा प्रश्न ये भी है। और 1 साल यहाँ पर हो गया है, उसके बाद लगातार मदरसों में अवैध फंडिंग की चर्चा होती रही, कार्रवाइयाँ होती रही, वो अलग है। अब जो चीज़ गलत है वो गलत का कोई पक्षधर यहाँ पर ना मैं हूँ ना यहाँ पर पैनल में बैठे हुए लोग हैं, पर जो 8449 मदरसे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो आप प्रतिबद्ध हैं, जो आप यहाँ पर आंकड़ा बता रहे हैं 550 करोड़ का आवंटित किया गया, तो क्या उन मदरसों में कुछ मदरसे ऐसे नहीं हैं जिनको आर्थिक अनुदान दिया जा सके या जिनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की जा सके? मैं नहीं बोलता सबको दिया जाए, पर कम से कम जो बेहतर है, जो काम बेहतर कर रहे हैं, जिनमें जिनसे बच्चे नीट परीक्षा जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करके निकल रहे हैं, क्या उनको हम अनुदानित नहीं कर सकते हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर भी है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए क्यों ना उन सभी मदरसों को, अगर उनके जो मानक हैं वो अगर कुछ बेहतर है तो उनको पूरा किया कर उसको आगे बढ़ाया जाए।
नहीं देखिए गौरव जी, जो मदरसों का मानक है वो बहुत सरल है। सरल है क्योंकि देखिए जो जो फिफ्थ तक विद्यालय चला रहे हैं उनके लिए तीन कमरे चार कमरे और उनके लिए जो प्ले ग्राउंड है उसकी भी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है और वो मदरसा संचालन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा। तो देखिए जहां तक जो कॉन्वेंट एजुकेशन है फिफ्थ तक आप करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा। कि आपकी इतने कमरे होने चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, सुना लीजिए, मैं सब चीज का जवाब दे रहा हूँ, बहुत कम समय में दे रहा हूँ। देखिए जो जो मदरसों का संचालन है, मदरसों का जो मानक है मदरसा बोर्ड के अनुसार वो बहुत कम है। अच्छा। और उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत मैन्युफैक्चरिंग, अच्छी बात है कैसी भाई, ये सब चीजें नहीं है। मेरा मेरपुर सवाल केवल ये है कि अनुदान देंगे नहीं देंगे, सरलता से करा सकते हैं। देखिए जी, देखिए जो बजट है और बजट के अनुरूप एक एक मदरसे को लगभग एक एक लाख रुपए हर साल अनुदानित किया जाता है। अच्छा। और आपने जो कहा कि 560-561 अनुदानित मदरसे हैं, तो देखिए अनुदानित मदरसे होना अलग चीज है और गैर अनुदानित लेकिन साथ में उनका रजिस्टर्ड मदरसे होना आवश्यक है। ठीक है। तो कम से कम आप रजिस्ट्रेशन कराइए। और वहां तक ही नहीं, अभी एक बहुत बड़ा अभियान भी चला था पिछले योगी वंश सरकार में, अब कोई भी विद्यालय बिना रजिस्टर्ड नहीं चल रहा है। अगर बिना रजिस्टर्ड चल रहा है तो उसको सील कर दिया जा रहा है। वो तो बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा यहाँ, उसको सील कर दिया जा रहा है। ठीक। तो अगर विद्यालय नहीं चल रहे हैं उनको सील किया जा रहा है, तो मदरसे अगर फिफ्थ तक चल रहे हैं तो उनको वो रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है, उनको नहीं करा सकते रजिस्ट्रेशन। ठीक है ठीक है, मैं प्रवक्ता सभा को लेता हूँ। वे पांडे, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, मामला भी आपको पता है, मुद्दा भी आपको पता है, केसी भाई की प्रतिक्रिया भी आपने सुन ली है, आपकी क्या राय है? क्योंकि सर्वे को एक साल पूरा हो चुका है, इसके पहले भी हमने देखा है कि अवैध फंडिंग को लेकर भी कार्रवाई हुई थी और नोटिसें भी जारी की गई थी, अपने अपने दस्तावेज पूरे करें अन्यथा बंद कर दिए जाएंगे। पर यहाँ पर जो सर्वे पिछले साल कराया गया था उसको एक साल हो गया है और यहाँ पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पत्र लिखकर सरकार से गुहार लगाई है। वे पांडे, पांडे जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। म्यूट है। बे पांडे जी की आवाज नहीं आ रही है, आवाज स्पष्ट की जाए जी। बे भाई बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बेबे भाई आपका म्यूट बटन डाल दबा हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सारी बातें कर डाली, बिल्कुल आपको भी लगा है। मुझे लगता है कि मैं इतनी देर में सिर्फ ये सुनना चाह रहा था कि जो सवाल आपने इनसे पूछा था कि मदरसों के आधुनिकीकरण की दिशा में कब और कैसे कार्य किया जाएगा, उसको छोड़ के इन्होंने सारी बातें की। इन्होंने आंकड़े बता दिए, इन्होंने तथ्यों के हिसाब से छवि सुधार कर ली, लेकिन ये बताइए 2021 में 489 करोड़ रुपए मदरसे आधुनिकीकरण के नाम पे राज्य सरकार ने बजट घोषित किए थे जी। और 16 मई 2023 को जी 2 करोड़ आधुनिक शिक्षा के लिए इन्होंने पास किया जी। मदरसों के आधुनिकीकरण की शिक्षा के लिए इन्होंने बिल में 2 करोड़ रुपए पास किए। 2 करोड़। अब यहाँ पे आप समझिएगा क्रोनोलॉजी क्या है आंकड़ों की। 16,000 पंजीकृत मदरसे जिसमें 558 सहायता प्राप्त, जिसमें 20 लाख छात्र नामित हैं जी, 7500 शिक्षक हैं जी, जिसमें कि आपको ये बात शायद ये नहीं बताएंगे पटल पे कि राज्य सरकार जिसमें 40% अनुदान देती है और केंद्र सरकार का 60% उसमें अनुदान होता है, बिल्कुल होता है। और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक जो मदरसों के आधुनिकीकरण का जो एक विस्तारीकरण चल रहा है उसमें 40% की बजट की कटौती की है जी, जिसको 160 करोड़ से घटा के मात्र 10 करोड़ कर दिया गया है। अच्छा। और इसी क्रम में अच्छा गोरखपुर में 489 शिक्षकों को 6 साल से मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पे वेतन नहीं दिया गया गौरव भाई। अच्छा। और ये स्थिति पूरे प्रदेश की है। मैं आपको जिलेवार सिलसिले में कभी आप रख लीजिएगा समय देकर के, इस पे मैं आंकड़े प्रस्तुत कर दूंगा। मैंने फिलहाल गोरखपुर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, कहा जाता है उत्तर प्रदेश का जी। अब सबसे बड़ी बात,
अगर ये मदरसे के आधुनिकीकरण को लेके इतने सजग थे तो मैं इनसे पूछूंगा आज वो बात पुनः कि जब आदरणीय अखिलेश जी की सरकार गई थी, हमारी सरकार जब गई थी मुख्यमंत्री रहते हुए जी, तो उस समय 4000 उर्दू शिक्षकों की जो भर्ती हमारी सरकार ने घोषित की और क्रियान्वित की, जिसको कि अभ्यर्थी हाईकोर्ट से भी जीत करके आए, जिसकी जांच इन्होंने करा ली, जिसमें कोई धांधली नहीं पाई गई, तो उसको ऑर्डिनेंस ला करके उस भर्ती को निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी गौरव भाई? मदरसे क्या बिना शिक्षकों के चलेंगे? बिल्कुल, आधुनिकीकरण के नाम पे केवल और केवल कागजी बजट घोषित करना। अगर मैं चलिए सारे सवाल छोड़ देता हूँ आप जी, मैं पूछता हूँ 489 करोड़ जो मदरसे का बजट घोषित किया गया था 21 में, वो पैसा कहाँ गया? क्या उस पैसे का खर्च किया होगा जवाब दे सकते हैं? पैसा खर्च किया होगा भाई? अरे तो खर्च किया है, मैं मानता हूँ अगर खर्च किया तो हिसाब दे। अच्छा। और अगर खर्च किया है तो उसमें कितना खर्च किया वो बताने का कष्ट कर दे केवल। अच्छा। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पे केवल एक वर्ग विशेष को डराने का काम कर रहे हैं, टारगेट करने का काम, मुद्दे पे आ गए आप। मैं बिल्कुल मुद्दे पे आऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुस्लिम समाज आज क्या सोचता है, क्योंकि ये विकल्प मुस्लिम समाज ने चुना है। अच्छा। आज अगर मुस्लिम समाज को लगता है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने वाली पार्टी उनका उत्थान कर सकती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जनता ही तय करेगी, क्या बात, ये समाज तय करेगा, ये वो वर्ग तय करेगा जिसके आधुनिकीकरण का डंका और राजनीतिक ढकोसला परोस रहे हैं मंचों से। अच्छा। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपने 489 करोड़ की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपए अनुदान हर वर्ष दिया जा रहा है, तो 489 करोड़ कहाँ चले गए? इनकी बातों को ही मैं उठा लेता हूँ। चलिए, अभी इन्होंने कहा 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष जा रहा है, तो अभी 21-22 की बजट में जो 489 करोड़ थे वो कहाँ कैसे खर्च हुए, जरा उसको ही स्पष्ट कर देते। मुझे लगता है अगर खर्च होता या कार्य हुआ होता तो 489 करोड़ का बाइफर्केशन देते ही हमको बैठ करके। और गोरखपुर की मैंने अभी एक बात उठाई कि 489 शिक्षकों को 6 साल से वेतन नहीं मिला है, और मदरसों को टारगेट करने का या मदरसों के जो आधुनिकीकरण की बात हो रही है वो 19-20 के बाद से हो रही है। तो मुझे लगता है कि उसके पहले से इन्होंने तनख्वाह रोक रखी है सारे शिक्षकों की, जिसको अभी तक पीड़ित किया जा रहा है। ये वास्तव में ये कर रहे हैं, ये मदरसों की जड़ को कमजोर करते हुए उनके अस्तित्व पे प्रहार कर रहे हैं, ताकि शिक्षक को जब तनख्वाह मिलेगी तो वो रुचि क्यों ले गया पढ़ाने में, आप मुझे ये बता दीजिए ना। ठीक है, अगर गौरव श्रीवास्तव जी को बतौर एंकर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो गौरव श्रीवास्तव प्राइम टीवी के लिए कब तक एंकरिंग करेंगे? क्या 1 साल करेंगे 2 साल करेंगे 5 साल करेंगे 6 साल करेंगे? अब आपने गौरव श्रीवास्तव का नाम लेते सवाल ले लीजिए। मासूम साहब, मासूम सवाल है, आपने यहाँ पर किसी जन पर खुलेआम आरोप लगा दिए, बीजेपी पर आरोप लगा दिए, तमाम तरह के नहीं, मैंने आरोप तथ्यों के साथ लगाया। हाँ, और तो मैं मेरा भी आरोप यहाँ तथ्यों के साथ में है। मुझे गलत साबित करें, नहीं आप लोगों को मुस्लिम विरोधी बताया है, और आप मुस्लिम पक्षधर कैसे वो बता दीजिए, मैं भी सुन लूं। हितैषी हैं आप, मैंने कब कहा कि हम मुस्लिम पक्षधर हैं? हाँ। मैंने अभी अपने बातों में कहा, आप नहीं, आप मानते हैं मुस्लिम पक्षधर नहीं है, समाज तय करें, आप मानते हैं मुस्लिम हितैषी नहीं है, इस बात को स्वीकार करते हैं आप कि मुस्लिम पक्ष के पक्षधर नहीं है? हम आप तो नहीं, हमको तो नहीं पता, हमने तो चार आप ही बोल रहे हैं पक्षधर नहीं है करने का प्रयास किया। किसी भाई भी सुनिए, सब सुने भाई ना, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैं क्या डाल रहा हूँ? आपने स्वयं बोला मेरे भाई कि आप मुस्लिम वर्ग के पक्षधर नहीं है। 4000, अरे गौरव भाई सुन लीजिए भाई, वॉकओवर मत दीजिए भाई, वॉकओवर कर रहा हूँ मैं तो, पूछ रहा हूँ 4000, अरे सुन लीजिए भाई, फिर आप मेरी बात नहीं आने देंगे तो मैं बोलूंगा। बोले बोले बोले, मैं कह रहा हूँ कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, क्योंकि हमने 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती क्रियान्वित की। अच्छा। उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे थे हम जी, और ये मुस्लिम हितैषी है, क्योंकि इन्होंने उसी भर्ती को निरस्त करते हुए 4000 उर्दू शिक्षकों को घर बिठाने का काम कर दिया। और जब ये हाईकोर्ट से ऑर्डिनेंस लेकर और उसको हो गया, बाकी मेहमानों को लूंगा। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस भी है, किस भाई बार मिलूंगा आपको जी। चलिए विनोद भाई पूछिए पूछिए। आपने पूरा मामला देखा, यहाँ केसी भाई को भी सुना और बेबी पांडे को भी सुना। बेबी पांडे हालांकि नाराज हो गए मुझसे, क्योंकि जब मैं पूछता हूँ तो आदमी नाराज हो जाता है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी पत्रकारिता ही ऐसी है कि लोग नाराज हो जाते हैं। खैर, मैं अन्य व्यवस्था जैसा नहीं चलता हूँ। प्रवक्ता कांग्रेस विनोद भाई कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप तो लंबे समय से है नहीं, पर चूंकि आप भी यहाँ पर लगातार जनता के लिए बात करते नजर आ रहे हैं, सत्याग्रह भी करते हैं, वो अलग बात है कि वो सत्याग्रह आपकी पार्टी के बड़े नेता के लिए होता है, जनता के लिए सत्याग्रह कम नजर आता है, चलिए ठीक, अच्छी बात है, पर इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप कि सरकार यहाँ बोल रही है कि हम आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं और यहाँ पर चेयरमैन ने पत्र लिख दिया है? सबसे पहले तो आप जिस बेखौफ
और निडरता के साथ, स्वतंत्रता के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं जी, बिना किसी परवाह लाग लपेट के जी, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और नाराजगी, कभी कोई नाराज हो सकता है, खुश हो सकता है, ये समय की बात होती, विषय की बात होती, क्या बात है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से, मेरी शुभकामना है जनता के हित में, शिक्षकों के हित में, विद्यार्थियों के हित में, उत्तर प्रदेश और देश के हित में सवाल करते रहिए जिससे कुछ हल निकले। देखिए, मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा, अब मदरसे की बात शुरू है तो मैं मदरसे तक ही नहीं, इसको भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, अच्छा सोच है, जो खस्ता हाल पूरी शैक्षिक व्यवस्था को करने की इनकी कुरीति है, नीति है, अच्छा नीति है, जो अशिक्षित बिना पढ़े लिखे अनस्किल्ड अनट्रेंड लोगों को, आरएसएस के झोला उठाने वाले लोगों को, महत्वपूर्ण जो हमारे देश के रिसर्च की इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी एम्स जैसे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जो कह रहा हूं कहूंगा, केसी जैन साहब कहेंगे तो मैं इनके इनके सरकार की कारगुजारियों को साबित कर दूंगा साक्ष्य के साथ। तो इस प्रकार से इन्होंने पिछले इतने सालों में जो विश्व स्तर पर अपनी व्यवस्था बनाई थी, जिनका एक इनका एक क्रेडिट था, जिनकी वैश्विक पहचान थी, उन सबको इन्होंने बुलडोज करने का, जमींदोज करने का, अपने विकारिक मानसिकता जो है इनकी, वैचारिक जो कमी है, अच्छा, या जो संक्रमित मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता है, छोटी अच्छा, मानसिकता है, उसके द्वारा इन्होंने बिना संस्था की परवाह किए, बच्चों के भविष्य की परवाह किए, उनके रोजगार की परवाह किए, उस एजेंडे पे लगातार चलते आ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी जी जब पहले रिजिम में आए तो उन्होंने कहा था, उनके मुख्य जैसे 45 दिन का इनका नारा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश का, अच्छा, उसी प्रकार से इन्होंने कहा था मैं ऐसी शैक्षिक व्यवस्था करूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस टीचर्स, बिजनेसमैन और लोग जो प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को, अच्छा, वो वहां ना भेज के मैं समानांतर ऐसी व्यवस्था बना दूंगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे। क्या बात, ये लेकिन अब वो केसी जैन साहब बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कैसे कितने मॉडल सरकारी स्कूल इन्होंने बना दिए हैं, बल्कि खस्ताहाल कर दिए हैं। आप जैसा जिम्मेदार बेखौफ रिपोर्टर अगर इनके सरकार की कलई, इनके झूठ की कलई, इनके प्रचार की, मिथ्या प्रचार की कलई खोलने के लिए साहसिक कदम का काम करता है तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे करा के उसको जेल भेजने का, प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। नहीं नहीं, मैं एक बात आपको तो नहीं डरा सकते क्योंकि हम आपके साथ हैं। एक कांग्रेसी अगर आपके किसी के साथ खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं उड़ा सके, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। खैर, रही बात जो मदरसा चेयरमैन, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा, उन्होंने पूरा एक अपनी डिटेल में अपनी समस्याओं को, उसका निदान कैसे होगा, मदरसे के बच्चे जो अध्ययनरत हैं उनको किस प्रकार से, सरकार की क्या नैतिक, संवैधानिक, राजनीतिक जिम्मेदारी है, उसके अंतर्गत विधिक तौर पर क्या सहायता दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे अनौपचारिक वार्तालाप करके, अपनी बात रख के भारतीय जनता पार्टी से कहा होगा, लेकिन मैंने कहा देखिए, सिर्फ मदरसे की बात नहीं है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को खस्ता हाल करने का अच्छा, खुला आरोप भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं के ऊपर लगा रहा है, क्योंकि इनकी डिग्री भी संदिग्ध, इनकी भूमिका भी संदिग्ध, इनकी पृष्ठभूमि भी संदिग्ध, इनकी जानकारी भी संदिग्ध, इनका इतिहास भी संदिग्ध, इनका भूगोल भी संदिग्ध, इसलिए ये ऐसा करने के लिए बात है। ये बेचारे क्या जाने शिक्षा की गुणवत्ता क्या होती है, शिक्षा किसको कहते हैं, शिक्षा का कितना असर होता है, ये तो बस अपनी राजनीति में रह गए, इससे बचना चाहिए। सब संदिग्ध है तब भी दोबारा सरकार बना के बैठ गए, समझ में नहीं आ रहा है जनता कैसे वोट देगी। कैसी भाई, आप लोग संदिग्ध है पर दोबारा सरकार बना के बैठ जाते हैं, वही हैट्रिक की फिर बात कर रहे हैं। चलिए मुद्दा बार रखूंगा, फिलहाल प्रवक्ता आपको लेता हूँ। ताकि भाई आप भी लगातार शिक्षा मॉडल की बात करते दिल्ली की, अब दिल्ली के नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि दिल्ली में तमाम चीजें आपके विरोध में चल रही वहां पर, क्योंकि जिस तरह से वहां माहौल है काफी चीजें है, पर यहाँ पर जिस तरह से ये मदरसा वाला मुद्दा है, पत्र लिखा गया है सरकार को, मंत्री को, उसको लेकर क्या कहें। गौरव जी, ये बात हमको समझनी पड़ेगी जी, शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी, क्या बात, और बिना शिक्षा के कोई समाज पूरी तरह से खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल, समाज के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षित व्यक्ति ही समाज को आगे ले जा सकता है, आगे बढ़ा सकता है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के हमेशा विरुद्ध रही है, शिक्षा विरोधी है, वो नहीं चाहते लोग शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा, ताकि वो लोग फिर सवाल पूछेंगे, अच्छा, विरोधी है बीजेपी, अच्छा, फिर अच्छा, सवाल पूछेंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी कि लोग उनसे सवाल पूछ सके, वो आम कैसे खाया आता ये बताने को तो उत्सुक है, लेकिन वो जो सवाल उठ रहे हैं उनको बात करने को तैयार नहीं। ठीक,
आज ही के पेपर जो बड़ा प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है पूरे देश का, अच्छा, दैनिक जो रोज आता है, उस पेपर में एक सर्वे निकला है भारत की अर्थव्यवस्था को लेके, अच्छा, जिसमें लिखा है कि भारत में इस वक्त युवा सबसे ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, अच्छा, और बेरोजगारी इतनी है कि 20% के आसपास युवाओं ने नौकरी ढूंढना छोड़ दी, अच्छा, नौकरी की आशा छोड़ दी, अच्छा, और जब लोग नौकरी नहीं पाएंगे या अपनी रोजी रोटी नहीं पाएंगे तो आने वाली नस्लों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे शिक्षा देंगे। और मदरसा सिर्फ शिक्षा नहीं देता, बहुत से लोगों को रोजगार भी देता है, जिसमें बहुत सारे टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं, जो सैलरी पाते हैं, और जो बच्चे जो मदरसा बोर्ड से निकल के बाहर जाते हैं वो और घरों में जाके लोगों को दीनी तालीमात देते हैं, उसके पैसे कमाते हैं। हमारे परिवार में सब जगह देखा जाता है, मेरे घर में भी एक उस्ताद आते हैं पढ़ाने के लिए, मौलवी साहब, उनको हम घर वाले 2-3 हज़ार महीना देते हैं, वैसे 4-5 घरों में पढ़ाते हैं, 10-15 हज़ार महीना कमाते हैं, मदरसे से पैसा कमाते हैं, तो 20-25 हज़ार रुपए जीविका वो अर्जित कर लेते हैं क्योंकि उनको मदरसे से शिक्षा मिली है, अच्छा। तो एजुकेशन नहीं मिल रही वहाँ पे, रोजगार ही मिल रहे हैं, और बीजेपी दोनों तरह से इसके विरोधी है। और बीजेपी ये बात गलत है कहना कि बीजेपी किसी समाज के विरुद्ध है, बीजेपी असल में गरीबों के विरुद्ध है, गरीबों के विरुद्ध है, गरीबों को पसंद नहीं करते ये, इसीलिए जब कोई इनसे मिलने जाता है मुख्यमंत्री से तो उसको पहले साबुन से नहलाया जाता है कि उसको साफ सुथरा करके मुख्यमंत्री जी के सामने लाया जाए। नहीं जी, बताइए आपने। और जब जब लुलू मॉल का इनॉग्रेशन होता है तो वही हमारे मुख्यमंत्री जी बगल में बैठ के लुलू मॉल में टहल रहे होते हैं, तब इनको नहीं समझ में आता लुलू मॉल किसका है। और जो जब कोई वहां मिलने जाता है महिला जो अल्पसंख्यक होती है तो उससे मिलने से उसकी बात सुनने से आपको मना कर देते हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक व्यक्ति है। नहा के जाने का उदाहरण कहां से मिला भैया? ये मैं बता रहा हूँ आपसे, अच्छा। तो ये इनको जो है गरीब गरीब, कोई गरीब हो, चाहे ओबीसी गरीब हो, चाहे दलित गरीब हो, चाहे महिला गरीब हो, चाहे मुस्लिम गरीब हो। देखिए अखिलेश यादव ने जैसे ही सीएम हाउस खाली कराया उन्होंने पूरा तो ये शिक्षा के विरुद्ध जो व्यक्ति होगा उसके आचरण में सारी बातें आएंगी, वो यही बात करेंगे। और ये शिक्षा के विरुद्ध रहे, इन्होंने कभी शिक्षा के लिए कार्य ही नहीं किया। आप मदरसा बोर्ड की बात करते हैं, इन्होंने कहा मदरसा बोर्ड के बड़े मानक रख दिए कि फला फला मानक मदरसा बोर्ड के होने चाहिए अगर मदरसा बोर्ड चलाना है। मैं इनसे पूछा तो केसी जैन साहब जो बड़ी विद्वान वे हैं, इनसे बहुत बार डिबेट हुई है मेरी, ये मुझे बताने की कोशिश करें, मैं एक कोशिश विद्वान है लेकिन आंखें बंद किए हुए, इनसे पूछने जरा कोशिश की है पूछने की, कौन सा ऐसा बेसिक सरकारी स्कूल है जो उन मान्यताओं पे पूरा उतरता है जो उन्होंने मानक रखे मदरसे के लिए? एक स्कूल बता दें, एक सरकारी स्कूल बता दें बेसिक शिक्षा परिषद का जो कई सालों चल रहा हो, वहां से जो पंखे लगे हो, वहाँ कंप्यूटर रखा हो, वहाँ खेलने के लिए मैदान हो, वहाँ बाउंड्रीज बनी हो, वहाँ सुरक्षा हो, वहाँ बिजली आती हो, ये मुझे बता दें कितने ऐसे स्कूल इन्होंने माध्यमिक तो आप कह रहे जानपुर से परेशान कर रहे हैं, ये जानपुर से परेशान कर रहे हैं, इनका इरादा है शिक्षा हर समाज को नहीं मिलनी चाहिए। मदरसे में क्या जाता है, मदरसे में क्या होता है, व्यक्ति जो आता है वो शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा के साथ साथ वो समाज में कैसे जीना है, चले हो गया, कैसे सभ्यतापूर्ण तरीके से रहना है, कैसे सम्मानपूर्ण रहना है, कैसे तमीज और तहजीब के साथ पेश आना है, किस तरह की जबान बोलनी वो भी सीखना है। तो ये धार्मिक उन्माद, सामाजिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, इसलिए ये शिक्षा के विरोधी है, इसलिए मदरसों के विरोधी है और सारी शिक्षा के विरोधी है। ठीक हो गया, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा बड़ा खराब कर काम कर रहे हैं, मदरसा छोड़ दिया। धन्यवाद अजरा जी, मैं देखता हूँ लगातार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम भी करती रहती है और तमाम ऐसे लोगों को आप शिक्षा का साधन उपलब्ध कराती हैं जो शिक्षा पाने से वंचित हैं, काबिले तारीफ है आपकी मुहिम। पर यहाँ पर जिस तरह से जो मामला रखा गया है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, सरकार को एक साल सर्वे की याद दिलाई है और मदरसों को नियमित करने की मांग रखी है। जी देखिए गौरव भाई, जी जो पत्र लिखा गया है वही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ ये शगुफा मदरसे के नाम पे छोड़ा गया था, अच्छा। और कार्यवाही के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आधुनिकीकरण के नाम पर कुछ भी बच्चों को मिला नहीं। और अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात की, विवेक भाई ने बात किया कि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? जब आप शिक्षकों को उनकी सैलरी ही नहीं देंगे तो वहां पर पढ़ाने के लिए काम करने के लिए जाएगा कौन? वो बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? छह आपका अभी आपने बताया 8 महीने हो गया सर्वे कराए हुए, क्या मॉडिफाई किया आपने? आपकी मंशा खुद साफ नहीं है, आप करना कुछ और चाहते हैं किसी और चीज की आड़ में।
अच्छा, और मदरसा कोई पहली बार तो मदरसे में बच्चे जा नहीं रहे हैं, मदरसा तो जन्म जन्मांतर से चलता चला आ रहा है, जहां से हमारे मिसाइल मैन पढ़ करके निकले, राजा राम मोहन राय पढ़ के निकले, तब आधुनिकीकरण की जरूरत किसी को नहीं पड़ी, लेकिन दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया। आज योगी सरकार को किस तरीके से सुध आ गई कि नहीं मदरसों पर ही रहा मामला रजिस्ट्रेशन और मान्यता का, तो मैं केसी जैन साहब को याद दिलाना चाहती हूँ, अलीगंज में ही आप आ जाइए, लखनऊ के अलीगंज में आइए, और इतने बगैर रजिस्ट्रेशन बगैर मान्यता के स्कूल गली गली कूचो कूचो में खुले हुए, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, इसलिए गलत नहीं ठहरा रही हूँ कि जो बच्चे फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, जो बहुत गरीब तबके के बच्चे आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल निम्न है, वो बच्चे वहां जाके फिर भी किसी तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने संज्ञान लिया उन स्कूलों का कि उनको भी रजिस्ट्रेशन उनका भी होना चाहिए, उनको भी अनुदान मिलना चाहिए? आप सिर्फ आपकी एक धुरी घूम करके आके रुक जाती है मदरसों पर, आप सिर्फ मदरसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मदरसा आपको लगता है सिर्फ एक कम्युनिटी को दर्शाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आज के दौर में आपने उसको एक कम्युनिटी का बना दिया है। यहाँ पर तो मल्टी रिलीजन के लोग पढ़ने आते थे, सभी धर्म के लोग यहाँ से पढ़ के तहजीब सीख करके जाते थे, और आपकी जो देन है आपने विभाजन का काम कर दिया है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपके पास 2024 के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। अच्छा। राम मंदिर खत्म हो गया, बाबरी मस्जिद खत्म हो गया, अब आप बार बार घूम के कभी 6 महीने पहले कभी 2 महीने पहले फिर आप वही मदरसे को आकर के एक डोर पकड़ लेते हैं। आपको शिक्षा प्रणाली से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है। अच्छा। आप लोग उससे ज्ञान अर्जन करते रहते अच्छा। हैं, तो आपको शिक्षा पद्धति का कोई मतलब ही नहीं है। और आप जो ये बता रहे हैं कि हमने इतना सर्वे कर लिया, अभी पूर्व वक्ता हमारे विवेक भाई ने कहा कि वो धनराशि कहाँ चली गई। ठीक भाई, मॉडिफाई के नाम पे कितने कंप्यूटर्स आपने लगा दिए, जो मानक के अनुरूप चल रहे थे उन मदरसों में कितने शिक्षक आपने नियुक्त कर दिए। साहब, शिक्षक की बात करें तो जो बीएड किए हुए बच्चे हैं, बीएड किए हुए बच्चे सड़कों पर रोते फिर रहे हैं, आपने बीएड को वालों को भी आपने खत्म कर दिया, आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं, आप यहाँ ढकोसलेबाजी सुना रहे हैं खाली। ठीक है, हो गया, मैं आमिर भाई, जनता को गुमराह करने का दोबारा आऊंगा, जनता जागरूक हो चुकी है, दोबारा आएगा आमिर भाई। अब समीक्षा आपको करनी है, थोड़ी समीक्षा करिए, कैसी बात जवाब लेता हूँ। बहुत धन्यवाद गौरव जी जी, और साधुवाद आपको और आपके चैनल को जी, के बहुत ही अहम मुद्दों पर आप बात करते हैं जी। और दूसरा साधुवाद जी हम देना चाहेंगे मदरसे बोर्ड के चेयरमैन को, क्या बात कि उन्होंने साहस दिखाया जी, साहस नहीं दिखाया बल्कि ये सरकार को अपनी ही सरकार को आईना भी दिखाया है। अच्छा गौरव जी, देखिए समझने वाली बात ये है कि जैसा भी समाज सेविका कह रही थी कि हर चुनाव से पहले इस तरीके के मुद्दे उठते हैं जी। अब ये मुद्दा या तो एक षड्यंत्र के तहत उठाया गौरव जी। अच्छा। और या ये वास्तव में उन्होंने एक आईना दिखाया सरकार को। अच्छा। इसमें थोड़ा सा अभी हम मतलब अभी हम क्या, तारीफ क्यों अभी प्रश्न उठा दिया? हाँ, प्रश्न इसलिए उठाया ना कि ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि अभी चुनाव पांच बिल्कुल नहीं, काम तो तारीफ के लायक किया उन्होंने, काबिल तारीफ किया है गौरव भाई, और इसीलिए हमने उनकी पहली फुर्सत में तारीफ करी है। लेकिन दूसरी फुर्सत में जो हमने षड्यंत्र का इल्जाम लगाया। हाँ। या ये इल्जाम मान लीजिए, इसलिए कि षड्यंत्र हो भी सकता है। अच्छा। बहरहाल चाहे षड्यंत्र हो या उन्होंने साहसी कदम उठाया हो, बहरहाल जो भी है जी। लेकिन अगर षड्यंत्र के हिसाब से तो अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। अच्छा। और 6 महीने बाद हमारा लोकसभा का चुनाव होना है। बिल्कुल। देखिए 10 सालें हो गई लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट को आए हुए, इन्होंने उसके बाद से कितने मदरसों को अनुदान दिया गौरव जी, या कितने मदरसों को इन्होंने आधुनिकीकरण के नाम पर ठगा है गौरव जी, इसके इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। अभी केसी जैन साहब ने अपनी बात में कहा था कि 550 करोड़ रुपया मदरसे के नाम पर इन्होंने दिया गौरव जी, 550 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं हुई है, आखिर ये गई कहाँ? आपको बता दूं 7 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे वालों को तनख्वाह नहीं मिली थी, थोड़ी बहुत तनख्वाह भी बीच में मिली है जो मेरी जानकारी के मुताबिक है जी। अब आप बड़ा सवाल गौरव जी ये पैदा होता तो इन्होंने किन मदरसों का अनुदान दिया और कौन से मदरसे इन्होंने, देखिए मदरसे सर्वे के नाम पर जितना तांडव मचाया गया है और जितना परेशान किया गया है। अच्छा। और आपके चैनल पे तमाम डिबेटें हुई, बहुत बार हुई डिबेटें, और आपके चैनल के अलावा तमाम चैनलों पे मदरसा ही मदरसा छाया हुआ था कि मदरसे का सर्वे हो रहा है तमाम, लेकिन उसके बाद सर्वे के बाद रिजल्ट क्या आया गौरव जी? अब रिजल्ट कहाँ है, बड़ा सवाल ये है। देखिए अभी इन्होंने एक बात और कही थी कि बच्चे मासूम बच्चों से इनको बड़ा लगाव है, बड़ी मोहब्बत है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए एक इंसानियत के नाते। लेकिन आप गौरव जी, जो मदरसे
रजिस्टर्ड हैं, जो अनुदानित नहीं है अनुदानित, वो मदरसे मस्जिदों में चलते हैं 70%। लीजिए गौरव जी, 70% मस्जिदों में जाइए तो पंखे लगे होंगे जी, टॉयलेट की व्यवस्था बेहतरीन तरीके से होगी, कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं। लेकिन ये मदरसे के नाम पर जो एक इन्होंने भ्रम फैलाया हिंदू मुस्लिम, अच्छा, मुस्लिम करने की बात करी, अच्छा, एक मदरसे के नाम पर जो इन्होंने छलावा रचाया था गौरव जी, अच्छा, वो पाखंड सामने आ चुका है, अच्छा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ छलावा तो किया लेकिन दिया विया कुछ नहीं गौरव जी। और सर्वे के नाम पर इन्होंने कहीं किसी जगह कोई उन्होंने त्रुटि पकड़ी भी नहीं कि अगर ये मदरसे में कोई, भाई मदरसे का मतलब क्या है? अभी आपको याद होगा, आपके चैनल पर डिबेट भी हो चुकी है कि मदरसे के द्वारा पढ़े गए बच्चों ने 12,000 से ऊपर नीट परीक्षा पास की थी, पिछले ही साल की बात है, कोई बहुत दूर का टाइम नहीं है। तो अब आप गौरव जी, इनको इस बात को खल गई कि मदरसे में इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे हो रही है, अच्छा, इसलिए इन्होंने मदरसे का सर्वे के नाम पर एक भ्रम, अच्छा, फैलाया। नहीं, वो सर्वे, वो परीक्षा जो है वो बाद में पाई है, पहले सर्वे हो गया था। नहीं सर्वे नहीं गौरव जी, सर्वे उसी टाइम शुरू हो गया था जो माहौल शुरू हुआ था सर्वे का, तो वहीं से शुरू हो गया था कि इन्हें ये लगा, यही मैं कह रहा हूँ ना कि इन्हें लगा कि इतनी बड़ी परीक्षा कैसे पास कर ली मदरसे के बच्चों ने, तो उस पर अंकुश कैसे लगे। हाँ लेकिन अब यही तो बात इनको समझनी पड़ेगी, तो इन्होंने मदरसे के नाम पर बात करी। अब हम इनसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं गौरव जी कि तमाम सरकारी स्कूल जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है, तमाम स्कूलों में गौरव जी पंखे नहीं है और लगे भी हैं, तो किसी का पट टेढ़ा है, किसी का मोटर फूक चुका है, आज की स्थिति उत्तर प्रदेश की है। आप थोड़ा सा एक प्राइमरी पाठशाला जो है उसका भी सर्वे करा लीजिए गौरव जी, आप बल्कि आप जर्नलिस्ट हैं और मेरी नजर में इस टाइम जितने भी चैनल हैं, मैं नहीं समझता हूं कि आपसे अच्छा कोई कड़वा बोल पाता हो या सही मुद्दों पर बात करता हो। वैसे तमाम चैनलों पर सिवाय हिंदू मुस्लिम में दिखती नहीं है। अभी देखिए, अभी चंद दिनों पहले खबर और आई थी कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने जा रहा है, 300 करोड़ रुपए खर्चा होंगे गौरव जी। ये 300 करोड़ रुपए क्या मदरसों पर, या छोड़ दिए मदरसों को, प्राइमरी पाठशालाओं पर खर्च कर दिए जो उनकी देख रेख सही हो जाए, उसकी दशा सुधर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा गौरव जी, मैं लिख के दे दूं, नहीं होगा। इसलिए कि इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। और अभी आने दीजिए चुनाव, जो जो करीब आता रहेगा इनके मुद्दे नए नए नित नए सामने आते रहेंगे। ठीक है कैसी भाई, आपने सबको सुना, अब जवाब आपको देना, सत्ता में आप बैठे हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। जी बोलिए। देखिए जी गौरव जी, सबसे पहले जवाब किसका देंगे आप? हमने जो 1,00,000 रुपए की बात कही थी जी, वो 1,00,000 रुपए मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए है अतिरिक्त जी। अच्छा, जो ये बजट जारी हुआ है जी, उसके अतिरिक्त 1,00,000 रुपए जी, जो बीच में बजट जारी हुआ पूरक बजट के रूप में जी, 2022 के इलेक्शन के पहले जी, उसमें 1,00,000 रुपए जारी किया गया था मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए। हमने उसकी बात कही थी कि 1,00,000 रुपए मदरसों को अतिरिक्त मिल रहा है जी, बिल्कुल, पहली बात जी। दूसरी बात ये कि हमारे जितने वक्ता हैं, अच्छा, उन्होंने किसी ने भी अभी आमिर साबरी साहब ने भी जो बात कही, उन्होंने भी इस बात को कहा कि कोई कमी नहीं मिली, कोई कार्रवाई नहीं हुई, हाँ, और जो सर्वे हुआ उसके बाद, अच्छा, दरअसल सर्वे का उद्देश्य यही था कि जहां पे अव्यवस्थाएं हैं उनको, उन अव्यवस्थाओं को हटाया जाए, और इसके लिए वहां का जो मैनेजमेंट है, जो भी उन मदरसों को चला रहा है, उसको कम से कम इस चीज का डर हो कि अगर लेटरिन बाथरूम बच्चों के लिए नहीं है, वो गली में ढूंढते हैं बच्चियां, छोटी छोटी छोटे छोटे बच्चे, हम भी तमाम सारे मदरसों में जाते हैं, तमाम सारे लोग मुझको झंडा रोहण में बुलाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी में। देखिए हमारी बात ये डराने के लिए इन्होंने सर्वे किया है, मैं आधे घंटे बाद बोल रहा हूँ, और गौरव जी ने, गौरव भाई ने मुझको मना किया जी, और अगर आपको मैं भी अपनी बात पहले पूरी बार रखिए, बोलिए कैसे भाई बोलिए जी। देखिए जो मदरसे का सर्वे था जी, उसका उद्देश्य यही था जी, कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो दूर, और कुछ लोगों ने तत्काल अव्यवस्थाएं दूर की जी, कुछ लोग अब भी दूर कर रहे हैं उनको, अच्छा, और कुछ लोगों ने इस डर से भी दूर किया, अच्छा, जहां पे लेटरिन बाथरूम नहीं था उन्होंने बनवा दिया, अच्छा, कि सर्वे होना है, अच्छा, तो ये तो बच्चों की अच्छाई के लिए बात है, अच्छा, ना कि इसमें कोई आपत्ति की बात है जी। और ये लोग जो इस तरीके के सर्वे का, मदरसों के आधुनिकीकरण का जो विरोध करते, देखिए हर चीज का समय था, अच्छा, जो आपने अभी जो बहन ने, हमारी अजरा बहन ने जो बात कही
कि भाई अब्दुल कलाम साहब पढ़ गए और तमाम सारे कई सारे नेता बहुत सारे लोग पढ़ गए मदरसों में, बात सही है, उसका कोई विरोध नहीं है। और मदरसों का अगर आधुनिकीकरण हो, आधुनिकीकरण हो और सरकार उसके लिए एक एक लाख रुपए मदरसों को दे रही है, बजट बढ़ा रही सरकार, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन जो सरकार कानूनों में दे रही है, विरोध कर रहे हैं जमीन पे उतरने कह रहा है, आधिकरण के विरोध कोई नहीं है, सब आधिकरण चाहते हैं। आप सारे प्रश्न अपने रख चुके हैं, मैं आधे घंटे से डिबेट जवाब 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 सबका मौका दूंगा। अच्छा आप बोलिए, बात कीजिए आप, जी जैसा बोलिए, अपनी पूरी बात रखिए, नाराज मत होइए केसी भाई, नाराज मत होइए, जवाब आप दीजिए। मैं केसी भाई से यही पूछना चाह रहा हूँ, जो ये पैसे कह रहे हैं आवंटन हो रहा है, पैसा मिल रहा है, वो पैसा मिलता हुआ कहाँ दिख रहा है, आधुनिकीकरण होता दिख रहा है मदरसों का, किसी जन से संपर्क किया जाए? बीजेपी को पहले कुछ ऐसे आधुनिक मदरसे बना के दिखाना चाहिए था, उनका मॉडल पेश करना चाहिए था कि हर जिले में वो एक आधुनिक मदरसा बनाते, उसको पेश करते, उसका मिसाल लगते, फिर सारे मदरसों से कहते इसको आप फॉलो करिए। मैं पूछा था किसी जैसे आपसे, वो नाराज हो जाते हैं कि कौन सा मदरसा उन्होंने आधुनिक मदरसा उत्तर प्रदेश से बना दिया, कंप्यूटर है जहाँ सारे आप डिबेट को व्यस्त, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जनता जानना चाह रही है, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। कैसे भाई अपनी बात पूरी करिए, कैसे जन साहब जी, कैसे भाई, किसी जन साहब अपनी बात पूरी करिए, हेलो जी अपनी बात पूरी करिए जी, किसी भाई बोलिए, ताकि भाई शांत है, आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए जी, बोलिए, हेलो जी, किसी भाई बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मेरे पर? नहीं जैन साहब, स्वीकार कर लीजिए कि आपकी नीतियां दुरुस्त नहीं है जी। किसी भाई आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं मिल रही जी, चलिए मैं जब तक किसी भाई संपर्क हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर बेनुर भाई को लेता हूँ, बोल लेते आप जी। नहीं देखिए बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने साहसिक काम किया है और इनकी मदरसे का जो जायज हक है उनके विद्यार्थियों का, उनके अध्यापकों का, वो सरकार को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार के एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा मांग है, सवाल है, चिंता है, तो उसको अकारण देर करने का कोई कारण नहीं बनता है। और तुरंत मैं तो अपील करता हूं आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से और इस व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से, इस विभाग से जुड़े जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो सारे लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका जो हक है, जो अनुदान है, जो बजट है, उसको सुनिश्चित करने का काम करें। और पूरा देखिए, शिक्षा जैसे कहा, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, अगर आप रूट कॉज पे जाएंगे तो यही है, जब हम एक अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा, प्रमाणित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वैश्विक शिक्षा के साथ तालमेल नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और सरकार की जो उदासीनता है शिक्षा को लेकर, सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा है किस प्रकार से अयोग्य, कम अनुभवी और लोगों को, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों को इन महत्वपूर्ण जिम्मेदार संस्थाओं की जिम्मेदारी दी जाए, भले उसकी वजह से कितना भी करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जाए, उनके पास रोटी रोजगार ना हो, इसकी उनको चिंता नहीं है। इनको संवेदनशीलता से मामले की गंभीरता को, शिक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है देश, समाज, विश्व के लिए, उसको समझना पड़ेगा। और अपने छोटे छोटे फायदे के लिए, अपने आरएसएस के अयोग्य लोगों को वहां पर बैठाने के लिए जीत छोड़नी पड़ेगी, और जो योग्य आदमी है, काबिल आदमी है और ऐसा साहसिक सवाल करने वाला व्यक्ति है, उसका, उसके सवाल का उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं किसी भाई दोबारा आऊंगा, किसी भाई अपनी बात पूरी करिए, मेहमान को लेता हूं जी। ये गौरव जी जी, आज मैं बिल्कुल तूतू मेमे के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे। अच्छी बात है, आज नहीं है, आप बैठे रहते हो हमेशा। विषय आपने उठाया है जी, और अगर अनुमति हो सबकी तब तो मैं अपनी बात, अनुमति है भैया, अनुमति है, अगर केवल भाषण सुनना हो मुझको जी तो फिर मैं बैठ के सुनूंगा, कोई आपत्ति नहीं मुझको। आपको समय बोले, आप बोल रहे, जवाब आपको देना है, जिम्मेदारी आपकी, जवाब आपको देना, बोलिए सब सुनिए। हेलो जी, बोलिए, बोलिए किसी भाई, अपनी बात पूरी करिए। हेलो जी, अपनी बात पूरी करिए किसी जन साहब। हाँ गौरव जी, बोलिए बोलिए। देखिए गौरव जी, बात यह है
कि अगर आधुनिक शिक्षा मदरसों में दी जाए इस पे किसी को आपत्ति क्यों? अच्छा, और जो मदरसे अनुदानित हैं क्या एक भी मदरसे को अनुदानित सीमा के बाहर रखा गया? क्या एक भी मदरसे को बाहर किया गया कि इसको अनुदान नहीं मिलेगा? 499 करोड़ पे तो कुछ बताइए। जो मदरसे जो बात उठ रही कि भाई प्राइमरी स्कूल भी मानक के अनुकूल नहीं है। हाँ। अरे कैसे नहीं मानक के अनुकूल है? अच्छा। आपके वहां 2 कमरे का मानक रखा गया है। प्राइमरी स्कूल में 5 कमरे होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए और एक अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था होना चाहिए। कम से कम 6 से 7 कमरे होना चाहिए और 6 से 7 कमरे मदरसे 2 कमरे में चल रहे हैं और 2 कमरे चाहिए होना चाहिए तो कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों के लिए वहाँ लेट्रीन बाथरूम नहीं है। अच्छा। बच्चे मदरसे से उठ करके आधा आधा किलोमीटर दूर जाते हैं गलियों में और गली में जाकर के दादा देखते कोई देख तो नहीं रहा है, ठीक है, फिर वो बाथरूम जाते हैं। किसी भाई आपसे बेपनाह पूछ रहे हैं, किसी ने आपसे बेपनाह की समस्या थी? नहीं बस भाई बहुत आज जवाब देने के मूड में नहीं है। पाठक सवाल आ गया है, मेरी बात तो पहले नहीं तो यहाँ क्या यहाँ इतने सारे सवाल आ गया कि कहीं के बारे में बुलाया जवाब दे वो कह रहा है जवाब सही नहीं दे रहा है, वो कह रहा है डिबेट कर रहा है। ये गार्डन है क्या? जी गार्डन है, मनोरंजन का साधन है। नहीं देखिए ये सवाल पूछ रहा हूँ गौरव भाई, मुस्लिम भाइयों के ये इतने पंजीकरण कर रहे हैं और झंडा क्या पंजीकृत है क्या? और ये किसी योग्य सरकार में आप पीएम बढ़ा रहे तो सरकार में आप कर क्या रहे? विरोधी है ये, अगर सरकार में आप इतना बड़ा बहुमत दे के आए आपके वक्तव्य है। सुनो विरोधी आपका आपकी मानसिकता आपके वक्तव्य है। केसी जैन जी एक भी यहाँ मनोरंजन लेने आए क्या आप? आज आपका भूल नहीं तो आज जवाब नहीं देंगे। आप शराब करने के लिए बना पाए उत्तर प्रदेश में एक मॉडल मदरसा बना पाए जिसको आप दिखाते और प्रदेशों में ऐसे मदरसे बनते 75 जिलों में 75 मदरसे बनाते पहले आप किस जिलों से कब्जों में गांव में मदरसे बनते इतने जिलों में हजारों मदरसे एक एक मदरसा बताइए मॉडल मदरसा या कंप्यूटर हो जो आपके मानक है उसके हिसाब से बनाया बताइए। अरे बता दीजिए जो बात हो रही थी दरअसल अगर आपको हिसाब मांगना है हिसाब आप जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन उनसे मांगिए। अच्छा, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी ठीक है और बेपनाह पूछ रहे आपसे सरकार में आप उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अच्छा, तारीफ भी कर रहे हैं, शक की बू भी आ रही है। अच्छा, अरे आप लोग दुश्मन है अपने भाइयों के। अच्छा, दुश्मन है, पट्टी बिछाते रहे। अच्छा, आप चाहते पार्टियों के झंडे उठाते रहे। आप नहीं चाहते, अमर साहब ने कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कैसी भाई आप नहीं चाहते आपसे अमर साहब ने कुछ पूछ रहे हैं मैं ये पढ़े जी किसी अमर साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे अमर साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे कैसी भाई जी आपको भाभी की कसम है सच सच बताइएगा आप अब तक कितने मदरसों में गए हैं जहाँ पर आपको टॉयलेट करते बच्चे सड़कों पे मिले नालियों मिले वो लीजे, लीजे, लीजे। मेरा बस मेरा छोटा सवाल है पर्सनल नहीं है ये सवाल इसलिए है कि अभी केसी भाई बार बार कह रहे थे कि वो सड़क पे ना टॉयलेट करें नालियों में ना बैठे तो ऐसे कितने मदरसे आपने मतलब चिन्हित किए हैं कि जहाँ पर बच्चे आपको टॉयलेट करते सड़क पे मिले केसी भाई बस मेरा छोटा सा बहुत छोटा सवाल है ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जी जी। पहली बात तो आप वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठते हैं बातें करते हैं नहीं आपने पत्रकार का अपमान किया हमारे सामने हम पत्रकार का सम्मान करने वाली पार्टी है हम पत्रकारों से सवाल का सम्मान करते हैं आपने कैसे मेरे सामने वरिष्ठ पत्रकार का अपमान किया कैसे कर दिया आपने बन के बैठे हुए हो बन के बैठे हुए हो ये चौथी बात नहीं है चौथी बात आज नहीं है इन्होंने डिग्री ली है आप मेरे सामने पत्रकार का अपमान कर रहे हैं आप आदमी पार्टी किसी पत्रकार का अपमान नहीं सहेगी आप पत्रकार समाज के बारे में आप पत्रकार सवालों का स्वागत करते हैं कैसे कह दिया आपने बन के बैठे हुए आप जैसे आप बने बैठे हुए जैसे आप ठग्गू बने बैठे हुए
कोई ऐसा सरकार इस मामले में ठगा नहीं, पट्टी उठाते रहे। अच्छा, अरे हमने जो कुछ दिया आपने तो रेलवे स्टेशन में चाय बेची, कहा चाय बेची? आप और लोग भी अकेले आप डिबेट में नहीं, प्लीज आप अपना आप चाहते हैं जवाब दीजिए, मजदूरी करते रहे। अरे आप पत्रकार का अपमान कैसे करेंगे सामने? भाई साहब मोहम्मद तकी प्लीज बीच में बोलिए, बीच में बोलिए, इसलिए आधुनिक शिक्षा का आमिर साहब ने जवाब देंगे। अरे आप आधुनिक पत्रकार भाई आपको जवाब नहीं दे रहा, प्लीज आप प्लीज शांत रहिए। आमिर भाई केसी भाई ने आपको समय पर वक्ता बोल दिया है। आमिर साहब अगर एक भी अच्छाई बतलाए होते इतनी देर में, गौरव भाई होता कुछ अच्छाई बताता है कुछ बुराई बताता है। देखिए मैं प्रवक्ता हूँ, मैं तो अच्छाई अच्छाई बताऊंगा, और आप सपा के प्रवक्ता आप अच्छाई अच्छाई बड़े पत्रकार है भाई, क्या दिक्कत है? जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो पूछ रही आपसे वो भाजपा की बुराई। केसी जैन साहब अजरा मोमेंट पूछ रहे हैं आपसे कुछ, केसी भाई हो गया अरे सुन लीजिए, केसी भाई सुन लीजिए, अजरा मोमेंट पूछ रहे हैं आप भाई के विरोधी है, अरे अजरा सबसे ज्यादा विरोधी है, विरोधी है बता रही है और ये सोचते हैं कि चिल्ला चिल्ली से या फ्लैट से उसे लोग डर जाएंगे या जल जाएंगे। कैसी भाई अजरा मोमेंट सुन लीजिए भाई, कैसे सुन लीजिए, आप मदरसों की बात कर रहे हैं, मैं आपको सरकारी स्कूल प्राइमरी स्कूल अलीगंज आ जाओ, आप आ जाइए केंद्रीय विद्यालय के पास, जो बेली भारत में प्राइमरी स्कूल बनाया है वहाँ पर बच्चों को झाड़ू लगाई जाती है। कैसी जय जी जरा सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए, सर सुनना चाहिए। मदरसों में ताले लगा दिया, अब जो भी हम लोग हैं ताला आप जरा सब लोग बाहर है, मदरसे बंद करें आप लोग बाहर है, अब जो भी हम लोग हो रहे ये विरोधी पर आप बन रहा है, आप हर व्यक्ति को जो पहले से मैच जो विरोधी कह रहे हैं आप, आपने एक सीनियर जर्नलिस्ट का अपमान किया डिबेट दौरान, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, अरे थोड़ा, अरे भाई हम सब दुश्मन है, अरे आप कुछ कर लिए होते, पसमानदा सम्मेलन आपने करा दिए, मदरसों का सर्वे आपने करा दिया, तब उसके बावजूद भी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को आपके लिए चिट्ठी लिखना पड़ रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? केसी जैन साहब डूब मरिए चुट्टू भर पानी में, कि आप कई आदमी आपको आईना दिखा रहा है। ठीक है, हो गया हो गया, आप बात आ गया, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी वो थी शिक्षा की व्यवस्था पर चर्चा थी, मदरसों के सर्वे के बाद एक साल के मियार बीतने के बाद यहाँ पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का पत्र लिखने को लेकर चर्चा हुई, सबने अपनी अपनी बातें रखी और आखिरी में चर्चा हिंदू मुस्लिम व्यवस्था पर चली गई, सबने अपने अपने बयान दिए, सबने अपनी अपनी बातें कही, किसी ने कस्में रखाई तो किसी ने सच्चाई दिखाई, किसी ने आईना दिखाया तो किसी ने साधुवाद किया, किसी ने बातें बताई तो किसी ने यहाँ पर खुलेआम आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते, राजनीति है और चलना भी चाहिए, पर भारतीय लोकतंत्र में जब व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था यहां पर जनता के लिए होती है। अगर मदरसों में सर्वे हुआ, सर्वे के बाद अगर यहां पर व्यवस्था सुधारने के लिए, परिवर्तन करने के लिए एक बेहतर तरीके से शुरुआत नहीं की जा रही है या शुरुआत बहुत धीमी है, तो उसको लेकर यहां पर काम करना जरूरी है, सर्वे होना जरूरी है, और सर्वे का सबने स्वागत भी किया था, हाँ कुछ उलझुल बयान जरूर आए थे, पर उसके बावजूद मदरसों के जो संचालक थे उन्होंने सर्वे को स्वीकारा और वहाँ पर पूरी सहमति जताई, रिकॉर्ड आए और रिकॉर्ड आने के बाद रिपोर्ट बनी, और जब रिपोर्ट बनी एक साल का समय बीता तो मजबूरन यहाँ पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को सरकार को पत्र लिखना पड़ा कि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और अगर बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा तो सबकी आत्मा को यहाँ पर दर्द होगा, और यहाँ पर जब दर्द होगा तो आदमी उस दर्द को या फिर मुंह से बयां करता है या फिर दर्द को अपने हाथ लिखकर बयां करता है। यहां पर जुबा से ही बयां किया गया और पत्र लिखकर ही बयां किया गया। अब एक गौरतलब होने वाला है कि इस दर्द को लेकर सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है। परिवर्तन बहुत जरूरी है, अगर वास्तव में शिक्षा को बेहतर करना है या वास्तव में जो सरकार की नीति है कि बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे भी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ें, या सरकार की नीति है
कि सभी चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी एक बेहतर प्रारूप के साथ चले, तो उसके लिए यहाँ पर अभियान चलाना पड़ेगा। अभियान बड़ा और यहाँ पर नीति बनानी पड़ेगी बड़ी, और यहाँ पर कठोरता से उन व्यवस्थाओं को पालन कराना पड़ेगा। अनुदान भी जरूरी है, व्यवस्थाएं भी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है नीयत जरूरी है। और जब नीयत बेहतर होगी तो परिणाम बेहतर आएंगे, और प्राइम टीवी हमेशा इन मुद्दों को उठाता आया है, उठाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब सरोकार आम जनता से है तो पीछा ना रहना हमारी नियति है और हमारी नीयत है, क्योंकि हम खबर नबीस अपनी जिम्मेदारी पूरी करते आए हैं और करते रहेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।